मेरा नाम अपूर्वी चंदेला है। ट्वेंटी में हुए चाहे ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड हो या फिर अभी जो हाल ही में मैं 2019 में वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीती वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ, दोनों में ही काफ़ी मैं कहूँगी इनके बीच की जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी जर्नी, मेरे एक्सपीरियंसेस और कैसे अगर आप चाहें तो शूटिंग चालू कर सकते हैं। स्पोर्ट्स से हम काफ़ी चीज़ें सीखते हैं और जैसे हार जीत हर खेल में होती है वैसे ही सीखने को मिलता है कि कैसे फेलियर्स से हम बाहर निकलें। काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं मैंने और उन सब के बारे में मैं आगे आपको अभी बताऊंगी। और मैं आप सभी को वुमेंस डे की बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ सिर्फ दिल्ली नॉलेज ट्रैक पर। मेरा नाम अपूर्वी चंदेला है और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी जर्नी, मेरे एक्सपीरियंसेस और कैसे अगर आप चाहें तो शूटिंग चालू कर सकते हैं। स्पोर्ट्स से हम काफ़ी चीज़ें सीखते हैं जैसे कि डिसिप्लिन लाइफ में और ओवरऑल वेलबींग में हमारी ये काफ़ी मदद करता है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो सीखने को मिलती है और जैसे हार जीत हर खेल में होती है वैसे ही सीखने को मिलता है कि कैसे फेलियर्स से हम बाहर निकलें और कुछ अचीव करने की चाह रख के आगे बढ़ते रहें। मुझे बचपन से ही क्रिकेट और फुटबॉल देखने का बहुत शौक था और मैं स्कूल में बास्केटबॉल प्लेयर भी थी, तो मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनूं ताकि मुझे नज़दीक से ये सारे गेम्स मैं देख पाऊं, मैं फील्ड पे जाऊं और सारा कैप्चर करूं। तो जैसे बचपन में सबकी इच्छाएँ होती है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है, वैसे ही मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना चाहती थी। लेकिन किस्मत में कुछ और लिखा था, मेरा ही स्पोर्ट्स पर्सन बनना लिखा था। तो 2008 में अभिनव बिंद्रा ने जब गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक्स में तो उसके बाद में मैं उनका एक इंटरव्यू देख रही थी, वहाँ से मुझे लगा कि शायद मैं ये स्पोर्ट ज्वाइन कर सकती हूँ। तो फिर जयपुर में ही SMS स्टेडियम में मम्मा पापा मुझे ले गए थे और वहाँ पे मैंने राइफ़ल और पिस्टल दोनों ट्राई किया और मुझे राइफ़ल ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे लगा कि ये स्पोर्ट मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ और उसमें फिर धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ, तो उस तरीके से फिर मैं राइफ़ल शूटर बन गई। जब मैंने शूटिंग चालू की तब से लेके अब में मैं खुद में काफ़ी चेंजेस देखती हूँ और जैसे हर स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में हाइज एंड लोज होते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कैसे अपने फेलियर्स से मतलब कुछ सीखने को ही मिलता है और वही आगे जाके आपको मदद करता है लाइफ में। वैसी मेरी कहानी है जो 2016 में ओलंपिक्स थे वहाँ से अभी तक की मेरी जर्नी काफ़ी मैंने मेहनत की है, उसमें काफ़ी हार्डवर्क गया है और मैं खुद में एक चेंज देखती हूँ कि कैसे अब मैं फेलियर से डरती नहीं हूँ। और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जब आप किसी मैच में जाते हैं तो फिर वो डर लेके जाना और एक कॉन्फिडेंस लेके जाना काफ़ी इसमें फ़र्क होता है। तो अब मैं काफ़ी मतलब कहूँगी एकदम सोच मेरी मैच को लेके बदल चुकी है और वो मुझे काफ़ी मदद भी कर रहा है। मेरे पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस गया है तो होपफुली आने वाले टाइम में भी मैं ये कंटिन्यू कर सकूँ। मैं दिन में सुबह के टाइम पे 2-2.5 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ और शाम के टाइम भी सेम 2-2.5 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ और बीच में गैप लेती हूँ जहाँ मैं रेस्ट करती हूँ, वरना काफ़ी लंबा हो जाता है। और उसके अलावा फ़िज़िकल एक्टिविटी काफ़ी जाती है जो शूटिंग के बाद करनी पड़ती है मुझे, जैसे कि जिम में कार्डियो किसी दिन स्ट्रेंथ, कभी पिलाटेस भी करती हूँ। नया चालू किया है वो, अभी कुछ 2-3 महीने ही हुए हैं मुझे पिलाटेस करते हुए। तो काफ़ी कुछ जाता है, कुछ टाइम योगा मेडिटेशन के लिए भी निकालती हूँ हफ्ते में 2-3 बार। तो ओवरऑल काफ़ी चीज़ें जाती है, सिर्फ राइफ़ल लेके प्रैक्टिस करना ही काफ़ी नहीं होता है, ओवरऑल बहुत चीज़ें होती है जो जाती है इसमें। समर्स के टाइम में स्विमिंग भी इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि हर मसल की एक्सरसाइज हो जाती है स्विमिंग में। तो राइफ़ल शूटिंग में एक चीज़ है कि
लोअर बैक में कभी कभी ज़्यादा ज़ोर पड़ता है क्योंकि हमारी पोजीशन ऐसी होती है, तो फिर उसको ताकि वो आगे जाके दिक्कत ना दे इसलिए स्विमिंग काफ़ी रेकमेंड करते हैं, जो मैं करती हूँ समझ में। मुझे लगता है महिलाएं सिर्फ स्पोर्ट्स में ही नहीं, हर फील्ड में अच्छा कर रही हैं आजकल, और काफ़ी बदलाव आया है आई थिंक सोसाइटी में। आजकल लोग सबको बढ़ावा देते हैं गर्ल्स को कि वो या तो जो भी उनकी फील्ड है जिसमें वो जाना चाहते हैं और कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो आजकल घर वाले आई थिंक काफ़ी सपोर्ट करते हैं। जैसे मैं और मेरी सिस्टर का एग्जांपल हो, वो शेफ़ हैं और मैं शूटर हूँ, तो पेरेंट्स ने कभी दबाव नहीं डाला कि आपको इस फील्ड में जाना चाहिए या ये करना चाहिए। उन्होंने हम पे ही छोड़ दिया था कि आपको जो चूज़ करना है हम सपोर्ट करेंगे, और फिर उसमें मतलब जितना भी हो सके आप मेहनत अपनी पूरी रखो, बस सपोर्ट हम पूरा करेंगे। तो मुझे लगता है यही बाकी महिलाओं में भी आई एम श्योर कि उनके घर वाले आजकल देखते हैं, सोशल मीडिया पे इतनी अवेयरनेस हो गई है कि महिलाओं को बढ़ावा देना चाहिए वगैरह। तो आई थिंक मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ते हम, और आने वाले टाइम में होपफुली इससे भी और ज़्यादा मेडल्स आप देखेंगे ओलंपिक्स वगैरह में जो महिलाएं जीतेंगी, और आई एम श्योर आगे और अच्छा करेंगे। मुझे लगता है महिलाएं सिर्फ शूटिंग नहीं, काफ़ी स्पोर्ट्स हैं जिनमें अच्छा कर सकती हैं और कर रही हैं। मैं एग्जांपल देती हूँ, जब मैंने शूटिंग चालू की थी 2008 में, तो हमारे नेशनल्स में कुछ पार्टिसिपेशन 100-200 लड़कियों का होता था, और आज ऐसा टाइम है जहाँ पे 2000 से 3000 लड़कियाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो इन 10 सालों में इतना ज़्यादा फ़र्क आया है, और हर नेशनल चैम्पियनशिप में ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो फिर मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा चेंज आया है ये हमारे इंडिया में भी, और सब इतना अच्छा कर रहे हैं कि इंडिया में ही इतना टफ कंपटीशन है अब, कि बाहर जाके हम दुनिया में जब फेस करते हैं कंपटीशन तो इंडिया काफ़ी ऊपर आ चुका है। आप देख भी रहे होंगे कि शूटिंग में इतने मेडल्स आ रहे हैं आजकल। तो मुझे लगता है ग्रास रूट लेवल पे भी अब काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं और एकेडमीज़ हैं काफ़ी, जहाँ पे अगर आप शुरुआत करना चाहें तो आप वहाँ जाके सीख सकते हैं। तो आई थिंक शूटिंग में काफ़ी अच्छा स्कोप है। जैसे कि मेरी खुद की फैमिली में तो मैं कहूँगी कि मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला है शुरुआत से ही, क्योंकि मेरी मदर जो हैं वो भी नेशनल लेवल बास्केटबॉल प्लेयर रह चुकी हैं, और ये 5 भाई बहन हैं, 4 बहनें और 1 भाई हैं, तो फिर चारों ही बास्केटबॉल नेशनल प्लेयर रह चुके हैं। और तो मेरे मदर साइड फैमिली काफ़ी, जैसा कि मैंने अभी बताया, स्पोर्ट्स में रह चुके हैं, तो फिर इससे मुझे काफ़ी बढ़ावा मिला है। ये इन्हीं के वजह से मैं यहाँ तक मैं कहूँगी कि मैं पहुँच पाई हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा सपोर्ट रहा है। मैं दुनिया में कहीं भी मैच हो रहा हो, मेरा किसी भी टाइम पे हो रहा हो, ये लोग हमेशा घर पे देखते हैं, चाहे वो मिडनाइट हो, 2 बजे हो रात के, वो हमेशा देख रहे होते हैं। तो फिर एक अलग उत्साह है जो यहाँ पे जो माहौल है मेरे घर का स्पोर्ट्स को लेके। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए जो महिला रोल मॉडल होंगी वो खिलाड़ी होंगे मैरी कॉम, क्योंकि उनकी जो जर्नी है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और टफ भी रही है। 3 बच्चों के होने के बावजूद भी अभी वो फिर से वर्ल्ड चैम्पियन बनी है, तो उनसे काफ़ी प्रेरणा लेने को मिलती है कि आप कैसे मतलब लाइफ का पैटर्न जो है साथ ही साथ मतलब दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चलना, चाहे वो फैमिली लाइफ हो या फिर एक खिलाड़ी की लाइफ हो, तो उनसे काफ़ी प्रेरणा लेने को मिलती है। ये तो हुई मेरी बातें, अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये खेल आप स्टार्ट कर सकते हैं, पिकअप कर सकते हैं, और उस सब के लिए कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और राइफ़ल शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफ़ल है, फिर वैसे ही 10 मीटर पिस्टल, एयर पिस्टल शूटिंग है, और फिर .22 की बात करें तो 50 मीटर 3 पोजिशन विमेन है। तो काफ़ी अलग अलग कैटेगरीज़ हैं शूटिंग में, तो डिपेंड करता है कि आप राइफ़ल से ज़्यादा कंफर्टेबल हैं या पिस्टल से। तो फिर मुझे लगता है आपके नज़दीकी जो भी फैसिलिटी है, जो एकेडमी हो या शूटिंग रेंज हो, वहाँ जाके आपको ट्राई करना चाहिए है, जैसे मैंने किया, और मुझे राइफ़ल शूटिंग ज़्यादा मुझे उसमें इंटरेस्ट बना मेरा, तो वैसे ही आप ट्राई कर सकते हैं। और आजकल काफ़ी मैं कहूँगी कि अकेडमीज़ शूटिंग की बन चुकी हैं,
जब मैंने चालू किया था तो जयपुर में एक SMS स्टेडियम और जगतपुरा में ही शूटिंग रेंजेस थी, और जो SMS स्टेडियम वाली थी वो मेरे घर के थोड़ी करीब थी, क्योंकि दिन के टाइम स्कूल होता था और फिर शाम को ट्यूशन होता था और फिर शूटिंग के लिए टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए। तो फिर मैं SMS स्टेडियम जाती थी, तब पुली सिस्टम होता था कि आप वो घुमाएं और फिर रस्सी से टारगेट आ रहा है और जा रहा है। पर अब इतना एडवांस हो चुका है शूटिंग कि अब डिजिटल टारगेट्स हैं जो एकेडमीज़ में भी अवेलेबल हैं आजकल, जहाँ पे आप जाके डिजिटल टारगेट पे आप शूट कर सकते हो। क्योंकि जब आप कंपटीशन में जाते हैं तो फिर वहाँ वो डिजिटल टारगेट्स ही कंपटीशन में उन पे ही शूट करना होता है आपको। तो जैसा कि मैंने बताया, जब मैंने चालू किया था तो दो ही शूटिंग रेंज थी, बट अब मेरे खुद के एरिया में 4-5 शूटिंग एकेडमीज़ आ चुकी हैं। वैसे ही पूरे इंडिया में काफ़ी बदलाव आया है, काफ़ी क्वालिटी फैसिलिटीज़ हैं जो प्रोवाइड हो चुकी हैं, और आप देख रहे होंगे कि इतने जूनियर्स और यूथ आके इतना अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उनको स्टार्टिंग लेवल पे ही इतनी अच्छी जो ट्रेनिंग है और उनके जो बेसिक्स हैं इतने क्लियर होते हैं, क्योंकि उनको राइट गाइडेंस प्रोवाइड हो रही है। तो मुझे लगता है कि आप जाके अपने नज़दीक की जो भी फैसिलिटी है वहाँ जाके ट्राई कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप शूटिंग चालू करने से पहले ही कोई राइफ़ल ख़रीद लें। आप जाके उन अकेडमीज़ में ट्राई कर सकते हैं, वहाँ के कोचेस से गाइडेंस ले सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हम मतलब कुछ महीनों के लिए ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे आके, और फिर वो ट्राई कीजिए। अगर आपका इंटरेस्ट बनता है उस जैसे राइफ़ल या पिस्टल शूटिंग में, फिर आप उसको आगे ले जा सकते हैं। जैसे स्टेट लेवल कंपटीशन हुआ, फिर नेशनल, प्री नेशनल्स हुए, फिर नेशनल्स हुए, और उनमें फिर रिनाउंड शॉट का जो सर्टिफिकेट होता है वो लेके फिर आप खुद की राइफ़ल बाई कर सकते हैं, अगर आपको इंपोर्ट करानी हो बाहर से। तो फिर ये कुछ स्टेप्स हैं जो आप कर सकते हैं, अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, आइडिया नहीं है कि कैसे चालू करना है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपकी मदद कर सकती हैं। मुझे लगता है कि अगर आप राइफ़ल शूटिंग स्पेसिफिकली अगर राइफ़ल में ही जाना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से सही एज होनी चाहिए 13, 14 या 15 साल की उम्र। मैंने भी 15 साल में ही चालू किया था। तो मुझे लगता है ये एज इसलिए सही है क्योंकि राइफ़ल शूटिंग में आपके रीढ़ की हड्डी पे ज़ोर पड़ता है, क्योंकि पोजीशन उस टाइप की होती है, और जब आप यंग होते हैं, 7, 8 साल या 9 साल के होंगे, तो फिर वो डेवलप हो रही होती है वो पूरी, मतलब पोजीशन के वजह से हो सकता है कि उसमें कुछ मतलब सही फॉर्मेशन नहीं हो पाए। तो मेडिकल टर्म्स में, मेडिकल एस्पेक्ट से मुझे ये लगता है कि ये सही एज है, 13, 14 और 15 के अराउंड। अगर आप पिस्टल शूटिंग करना चाहते हैं तो फिर मुझे लगता है आप थोड़ा और जल्दी पिकअप कर सकते हैं, 9, 10 साल पे उसमें, क्योंकि सिर्फ हाथ से ही, हाथ पे ही जोर आता है उसमें, थोड़ा आई थिंक एल्बो स्ट्रांग होना चाहिए, बट अदरवाइज़ मुझे लगता है ये राइट एज है चालू करने के लिए राइफ़ल शूटिंग। और महिलाओं के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप कोई भी फील्ड में जाना चाहें, पूरी मेहनत करें, जो भी हो सकता है अपने गोल को हासिल करने के लिए पूरी मेहनत जो है उसमें डाल दीजिए, क्योंकि वही आपको आगे ले जाएगा। और हार और जीत हर फील्ड में होते हैं, ये ज़िंदगी का ही एक हिस्सा है, तो इनसे कभी निराश होके गिव अप ना करें, और बस अपनी मेहनत जारी रखें और आप काफ़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि आप सबको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स जो आपको हेल्प करें आने वाले टाइम में, और मैं आप सभी को विमेंस डे की बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और आई होप आने वाले टाइम में आप जो भी जिस भी फील्ड में जाना चाहें उसमें आपको बहुत कामयाबी हासिल हो।